एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं। इसमें क्या होगा कि जो स्कैन एफ और प्रिंट एफ हमने फंक्शन अभी पढ़ा उसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इंटीजर, मैंने तीन वेरिएबल लिए, एक इंटीजर रोल नंबर इंटीजर टाइप का, मार्क्स फ्लोट टाइप का, और नेम, ये क्या है एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो ये जो हमारा जो नेम है 15 उसका साइज होगा। ये हम जब एरे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हम, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है, हम कैरेक्टर का एरे एज ए स्ट्रिंग यूज़ करते हैं इसमें। यहाँ पे प्रिंट करा दिया कि एंटर द रोल नंबर, तो यूज़र ने जब दिया तो उसको मैंने रोल नंबर के एड्रेस पे स्टोर करा दिया। फिर यहाँ पे कि एंटर मार्क्स, तो जो मार्क्स है मैंने मार्क्स में स्टोर करा दिया, और मार्क्स जो है फ्लोट टाइप का इसलिए एफ लिया, जो रोल नंबर इंटीजर टाइप का इसलिए डी, फिर एंटर नेम, नेम स्ट्रिंग टाइप का इसलिए एस, और नेम स्टोर करा दिया। यहाँ पे आप देखोगे एंड 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 ये यूज़ हुआ है। तो ध्यान रहे कि ये क्या है कि एक एरे है हमारा, स्ट्रिंग एज अ कोई टाइप नहीं है। और जो एरे का जो नेम होता है ना, वो जनरली एक पॉइंटर, एक एड्रेस डिनोट करता है। तो बस वो ध्यान रहे कि कभी भी हम किसी भी नेम, जो मतलब कैरेक्टर ऑफ एरे है, जैसे इस तरह का तरीके का अगर कुछ रहे, नेम रहे, अगर उसमें हमें स्टोर करने हैं एक से ज़्यादा कैरेक्टर, तो उसे जो होता है हम एड्रेस वाला ये जो पार्ट होता है हम नहीं देते हैं। जनरली हम मिस्टेक करते हैं तो थोड़े से जो एरर आते हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो नेम है ना, ये खुद एक पॉइंटर होता है और वो एड्रेस को ही डिनोट करता है। इसीलिए जो इस स्ट्रिंग वाला हम लेते हैं तो इसमें हम एंड का साइज यूज, मतलब जो साइन है, यूज़ नहीं करते हैं। और बाकी जब सारा डेटा इसमें आ गया, स्टोर हो गया, तो उसके बाद हम सारा प्रिंट करेंगे। अब सपोज़ कि यहाँ पे यूज़र ने, अब यहाँ पे क्या है कि यूज़र ने सपोज़ कि एक मैंने ले लिया यहाँ पे रोल नंबर, दूसरा यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया मार्क्स, और तीसरा ले लिया एक्स वाई, और यहाँ पे हो गया नेम। तो अब यूज़र ने दिया रोल नंबर सपोज़ 58, मार्क्स दिया 93, और नेम ये हो गया। तो ये सारा इसमें जाके स्टोर हो गया। अब इसको प्रिंट करना है, तो मैंने योर नेम इज यहाँ पे परसेंट एस लिखा, और फिर नेम, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसलिए हम इसको बस नेम यूज़ किया हमने, और ये जहाँ से ये नेम एक्स वाई फेच करेगा और प्रिंट करेगा योर नेम इज़, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफायर एज एस यूज़ किया क्योंकि स्ट्रिंग है, रोल नंबर डी है, परसेंट डी यूज़ किया, मार्क्स है तो फ्लोट। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि यहाँ पे जो रोल नंबर है मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे स्मॉल, तो ये जो है हमने आइडेंटिफायर है, ये हमारा आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पे हम जो देंगे वही हमारा यहाँ होना चाहिए। डबल कोट्स में हम क्या लिखते हैं इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस हमें यूज़र को दिखाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम यूज़ करते हैं बस। क्योंकि डबल कोट्स में जो भी हम लिखते हैं वो एज इट इज़ आउटपुट आता है, एक्सेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, कुछ स्केप सिक्वेंसेस कैरेक्टर जैसे स्लैश एन और स्लैश बी, तो वो उसके जो एक स्पेशल मीनिंग है, नहीं तो बाकी जितने हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया स्कैन एफ और प्रिंट एफ का यूज़ करके।